नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। दरभंगा शहर स्थित राज्य के कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अतिक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय से समय समय पर लगातार हंगामा किए जाने के फलस्वरूप विवाद एवं भय के कारण बहुत सारे रोगी चाहकर भी इस परिसर में आने से कतराते हैं। दरभंगा नगर निगम के द्वारा कई वार्ड में सड़क व नाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता पूर्ण कार्य नशीन नहीं किया जा रहा। सभी जगह सड़क व नाला में गुणवत्ता पूर्ण काम नहीं किया जा रहा है, जगह जगह लूट की खबर आ रही है। दरभंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून 2022 की शांतिता परीक्षा 22 जुलाई से आरंभ होने जा रही है और 5 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। आतंकी मॉड्यूल में मधुबनी के बाबूबड़ी और लदनिया के पीएफआई के ठिकानों पर एसआईटी की छापेमारी। मधुबनी में भीषण गर्मी से झुलस रहे लोगों को हल्की राहत महसूस हुई है। शाम में अचानक मौसम में बदलाव हुआ, आसमान में काले बादल छा गए। कुछ देर हवा चलने के बाद झमाझम बारिश हुई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से डीबी कॉलेज परिसर में 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार ने किया। तीसरे दौर की मतगणना के बाद ही द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, मिले 577,778 वोट। राष्ट्रपति इलेक्शन में देश की पहली आदिवासी महिला बनी राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास। 25 जुलाई को लेंगे शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने जाने के बाद बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह ने जज साहब पर ही हमला बोल दिया। एक केस में 10 साल की सजा होने के बाद अनंत सिंह ने जज को सरकार का आदमी बताया। मसौरी में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, बीओ को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। बिहार में पीएफआई जैसे संगठनों के फंड कुचल दिए जाएंगे, बोले शहनवाज हुसैन। नालंदा में 4 शातिर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नोट का फर्जी बंडल और कार हुआ बरामद। पटना के राजीव और नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने पर 26 जुलाई को फिर होगी कोर्ट में सुनवाई। बिहार के करीब 5,000 निजी स्वास्थ्य केंद्र कर रहे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन। पटना में लूट की साजिश रचते 5 अपराधी समेत 8 गिरफ्तार, हथियार भी हुए बरामद। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पूरी, 25 जुलाई को फिर बुलाया, प्रियंका गांधी संग निकली बाहर। द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। अब अधर में केजरीवाल का सिंगापुर दौरा, दिल्ली के एलजी ने रिजेक्ट की मंजूरी की फाइल। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की पूजा की मांग वाली याचिका खारिज की, अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। इटली के पीएम द्रागी का इस्तीफा, सहयोगियों ने किया बहिष्कार तो गिर गई सरकार। हर घर तिरंगा, आज से राष्ट्रध्वज के रंग में रंगेगा भारत। आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार की है खास योजना। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना समेत बिहार के सभी नगर निकायों में जल्द चुनाव की घोषणा हो सकता है। अनंत सिंह को फिर से 10 साल की सजा, घर से मिली थी बुलेट प्रूफ जैकेट और इंसास की खाली मैगजीन। सहरसा में प्रिंसिपल के तबादले पर फूट फूट कर रोए बच्चे, 6 महीने में ही बदल दी थी स्कूल की तस्वीर। मुतिहारी में मिथिला एक्सप्रेस के कोच नंबर 4 से फर्जी सीबीआई अधिकारी धराया, टीटीई को दिखा रहा था ऑफिसर का रौब। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहें।